हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन विद टिप्स। आज हम मौजूद हैं युवास में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उबैद आरटी बॉयज़ हॉस्टल। आज हम इनसे डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे अबाउट द हॉस्टल्स ऑफ द युवास, के कौन कौन से स्टूडेंट्स जो सब हॉस्टल ले सकते हैं और हॉस्टल में फैसिलिटीज़ कौन सी अवेलेबल हैं। तो हम इनसे डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे एंड होप सो आप सबकी क्यूरीज रिजॉल्व होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताएं कि जो हॉस्टल्स हैं वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए अवेलेबल हैं युवास में? हाँ जी, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। यहाँ पे मॉर्निंग में भी क्लासेस होती हैं और इवनिंग में भी। तो जो इवनिंग के स्टूडेंट हैं उनको हॉस्टल नहीं देते, तो लेकिन जो गर्ल्स हैं उनको हम देते हैं। गर्ल्स जो मॉर्निंग इवनिंग दोनों को देते हैं, जो बॉयज़ है वो सिर्फ मॉर्निंग को देते हैं। ठीक है। सो ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की क्या वो है? जो एडमिशन होते हैं ना, तो जो फैमिलीज होती हैं वो गर्ल्स के लिए थोड़ा सा उनको मसला होता है। वो ये कहते हैं कि अगर हमारा इवनिंग में एडमिशन हो गया है और उनको हॉस्टल नहीं मिलता, वो बाहर रहती हैं, तो फिर हम एडमिशन नहीं लेंगे। क्योंकि अगर युवास में हॉस्टल मिल जाता है तो फिर तो हम एडमिशन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी भी है, सेफ्टी भी है। तो इस वजह से तो फिर इन्होंने जो गर्ल्स होते हैं उनको एडमिशन दे देते हैं हॉस्टल में, इवनिंग में भी मॉर्निंग में भी। जो बॉयज़ होते हैं क्योंकि उनको सिर्फ मॉर्निंग में देते हैं, और जो इवनिंग वाले होते हैं वो युवास के साथ काफ़ी सारे हॉस्टल हैं प्राइवेट, वो वहाँ पर ले जाते हैं। नेक्स्ट है कि अब जो जिसने यहाँ पे हॉस्टल में जॉनसन वो लेना है तो उसके कितने चार्जेस कितने हैं? यहाँ पे जो होती है सिक्योरिटी चार्जेस होती है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो हॉस्टल की फीस है पर सेमेस्टर वो 30,000 के राउंड अबाउट है, और जो उससे नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा फिर वो 16,000 या 17,000 तक होती है। तो लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर उसमें 30,000 की होती है, 30 या 31,000। ठीक है। तो इसके अलावा मुझे बताएं कि रूम्स की कंडीशन कैसी है और लाइक सारी फैसिलिटीज़ वगैरह कौन कौन सी अवेलेबल हैं? हाँ, अब जो हॉस्टल है फिर उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक यूजी हॉस्टल एक पीजी हॉस्टल। यूजी अंडर ग्रेजुएट और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट। अब जो अंडर ग्रेजुएट के हॉस्टल हैं वो दो हैं, इकबाल हॉल जिसमें हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को रखते हैं और सेकेंड ईयर स्टूडेंट को, उसके बाद जिना हॉल। जिना हॉल में बाई सीटर्स भी अवेलेबल हैं और सिक्स सीटर भी अवेलेबल हैं। बाई सीटर हम उन स्टूडेंट को देते हैं जिनका फाइनल ईयर हो, और ये हॉस्टल मेरिट के दे देते हैं। जिनकी CGPA हाई हो हम उनको पहले बाई सीटर देते हैं, जिनकी उनसे कम हो उनको बाकी फोर सीटर देते हैं, जिनकी उनसे कम हो उनको सिक्स सीटर देते हैं। तो ये मेरिट पे हम देते हैं मेरिट पे। और फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल हैं, लाइक रूम के अंदर कौन कौन सी बेड्स वगैरह? और ये जो हाँ यहाँ पे बेड्स तो नहीं है, चार पे ही है तो वो प्रोवाइड करते हैं। बाकी यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं, इंटरनेट बिल्कुल फ्री है 24/7। ठीक है। और सर्दियों में स्टडी टेबल वगैरह? स्टडी टेबल भी देते हैं, हर चीज़ देते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए वो देते हैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है रेजिडेंट ट्विटर का और स्टूडेंट का। स्टूडेंट अपने रूम में बैठ के उसका कोई भी इशू हो वो एक मैसेज करता है कि मेरे रूम में ये इशू है, और फौरन वहाँ पे आके वर्कर आके ठीक कर देता है। लेट्स सपोज बल्ब खराब हो गया है, पंखा नहीं चल रहा, कोई भी इशू हो तो वो उसी वक्त मैसेज करता है ग्रुप में कि मेरा ये रूम नंबर है उसमें ये इशू है, और वो रेजिडेंट ट्विटर उसी वक्त वर्कर को उस रूम में भेज देता है। तो वो एक अच्छी है कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन से फौरन करे और उसका जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, वो फौरन से रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट मैंने ये पूछा था कि मेरिट वाइज अलॉटमेंट है और क्या उसे कहते हैं मेरिट वाइज? ठीक है। CGPA और मुझे बताएं कि जो हॉस्टल की टाइमिंग्स हैं कि सुबह से शाम तक कितने बजे तक ओपन रहेगा, किसी ने बाहर आउटिंग वगैरह पे जाना है? हाँ। तो वो कब तक जो गर्ल्स हॉस्टल है उनके लिए तो टाइम है, उनके लिए इन्होंने रात को 10 बजे का टाइम रखा हुआ है, उसके बाद ये अलाउ नहीं होते बाहर जाने के लिए, तो 10 बजे से पहले पहले आना पड़ता है। उसके अलावा अगर किसी ने घर जाना है गर्ल्स ने, तो यहाँ पे इन्होंने ना रजिस्टर रखे हुए हैं हर हॉस्टल के गेट पे, वो वहाँ पे एंट्री करके जाती है। गर्ल्स अगर कहीं बाहर जा रही हैं वहाँ पे भी वो एंट्री करके जाती है कि वो कहाँ पे जा रही है, ताकि अगर उनकी फैमिली बाद में कांटेक्ट उनसे करे तो इनके पास रिकॉर्ड हो कि कहाँ पे वो गई है। तो ये तो है फर्स्ट गर्ल्स। बॉयज़ के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, आप 24/7 किसी भी टाइम आ सकते हैं। चेकिंग होती है, कार्ड वगैरह हॉस्टल कार्ड बने हुए हैं वो चेकिंग करते हैं, लेकिन टाइमिंग कोई नहीं है। आप क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट के हैं MPhil PhD के वो जॉब भी कर रहे होते हैं, अब किसी की जॉब इवनिंग में है और रात को जॉब करते हैं और रात को 2-3 बजे फ्री होता है, तो फिर उसको रोक तो नहीं सकते। जी जी। तो फिर इसलिए यहाँ पे बॉयज़ के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, वो किसी भी टाइम आ सकते हैं। गर्ल्स के लिए रात को 10 बजे तक। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि जो जो हॉस्टल्स हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, लाइक गार्ड्स वगैरह प्रॉपर ड्यूटी बिल्कुल सेफ है? 24/7 गार्ड्स की ड्यूटी होती है, और बाकायदा वो हॉस्टल में चक्कर भी लगाते हैं, विजिट भी करते हैं, कोई इशू कोई मसला
और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रैगिंग नहीं होती स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर के आते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये सरायकी है, ये पंजाबी है, ये पठान है, इस तरह का कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है। ठीक है, लाइक फिर तो काफी अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। ठीक है, और अगर कोई किसी को कुछ स्टडी रूम्स वगैरह हैं सेपरेट के, लाइक कुछ होता है ना कि रूम्स में किसी दो एक दो ने पढ़ना होता है, एक दो ने सोना होता है, तो कोई इस तरह के सेपरेट स्टडी रूम्स हैं कि अगर एक तो हाल इन्होंने बनाए थे कि वो स्टडी रूम के तौर पे हाल इन्होंने बनाए थे कि जिसने पढ़ना हो वहाँ पे जाके बैठे, लेकिन फिर यहाँ पे ना स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो फिर उनको हॉस्टल देने के लिए उन हाल को भी हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे इन्होंने ये किया कि रात को 8 बजे तक लाइब्रेरी ओपन होती है, आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं, बच्चे ज्यादातर रात को 8 बजे तक लाइब्रेरी पढ़ते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द हॉस्टल्स ऑफ द यूएस, होप सो कि आप सबको आंसर अच्छे लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट भी करें। अल्लाह हाफिज़।